Hello everyone, welcome back to my another video. कैसे हो आप सब? मैं तो अच्छी हूँ. आपने कल का व्लॉग देखा ही होगा. बाकी अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बजने वाले हैं और यू भी यहाँ पे खेल रहा है गेहूँ से. यू भी गेहूँ से खेल रहे हो? तो ना जब भी यहाँ पे गेहूँ वगैरह सुखाने के लिए रखते हैं, गेहूँ से खेलने लग जाता है. बाकी अभी मेरे को लग रही है भूख, मैं जा रही हूँ बिस्किट्स खाने. आ जाओ आप भी, चलो. मैंने सोच रही थी कि बिस्किट्स खाते हैं, बट यहाँ पे मम्मी पहले से ना वो टोस्ट बना रही है और वो भी बना किस में रही है, इसमें जिसमें रोटी बनती है. और ये यहाँ पर रखा है, इसका कोई यूज़ ही नहीं होता क्योंकि मम्मी आज शॉर्टकट मार रही है ना मम्मी? यस. यहाँ पे बन गए हैं और एक दो यहाँ पे बन रहे हैं, तो हम इसे इंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं. या फिर पहले आपको मैं दिखाऊंगी जब ये मेरे प्लेट पे सर्व हो जाएंगे. तो मैं ना बिस्किट्स और ब्रेड सब खा के आ गई और ये लड़का यहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहा. इतनी ज़्यादा धूप है और इसको यहाँ पे बैठे रहना है. भैया चलो ना, अंदर धूप हो रही है, चलो इसे रहने देते हैं, अपने आप खेलता है. और वैसे चक्कर आ सकते हैं ना, देखो गाइस इतनी ज़्यादा धूप है. अभी चलते हैं, मैं आपको एक बार अपनी नानी की गाय दिखा दूँ, शायद मैंने पहले भी दिखाई हुई है. और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, उधर साइड में ना, उधर साइड पे कोको को दबाया था कि बॉडी वहाँ पे दबाई थी. मैं फूड पे चढ़ा के आई थी, बट चलो बाकी इसे देखो आप. करी नहीं है कुछ खाने का? नहीं है करी? बहुत अच्छी है ना, अगर आप भी आके इसे हाथ लगाओगे, टच करोगे, ये कुछ नहीं करती, बहुत ज़्यादा सीधी है. बाकी अभी चलते हैं अंदर और अभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है. आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप है और शाम को शायद मैं फिर से साइकिल चलाऊँ. इस बार तो मैं वीडियो बनाऊँगी क्योंकि हम लोग बाहर रोड में चलाते हैं, तब मैं बनाऊँगी. आज तो इतनी ज़्यादा धूप आ रही है ना कि बिल्कुल बाहर आने का मन भी नहीं कर रहा है. देखो कितनी ज़्यादा धूप है, आज इतनी ज़्यादा धूप है, आंखें भी नहीं खुल रही. और अंदर बैठने में फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है क्योंकि यू भी तो अपना मस्त लगा हुआ है टीवी देखने में और मेरे को ऐसे बोर लग रहा है बहुत ज़्यादा. तो अभी देखते हैं दिन में, वरना ईशा के वहाँ जाएंगे और उसने बोला है कि आज मैं दिन लंच भी वहीं करूँगी, तो अभी देखते हैं. यू वी को तो अपना ये मस्त लगा हुआ है और सब सामान फैला के. हाँ जी, क्या कर रहे हो टीवी में? देखो इसका माशा इन द बेड चल रहा है. ये बहुत छोटा है ना, इसलिए मेरे संग खेलता भी नहीं है. देखो और ये मेरे को मारता रहता है. ये देख रहे हो कैमरा खुला है, वरना नहीं होता है ये सब. होता है? नहीं होता ना? देखो खुद बोल भी रहा है. हाँ, सुनने में आ रहा है कि अभी मौसी और मौसाजी भी आ रहे हैं घर पे, तो देखते हैं अगर वो भी आएंगे तो उनको भी ले लेंगे थोड़ा सा व्लॉग में. और अभी धूप ना थोड़ी सी कम हो चुकी है, मतलब बादल से भी आ रहे हैं और धूप भी आ रही है. और उत्तराखंड का मौसम आपको पता ही है, हर समय चेंज होता रहता है और कभी कभी तो इतना बढ़िया हो जाता है यहाँ का मौसम कि क्या ही बताऊँ. और यहाँ पर खड़ी है अपनी फायरफॉक्स और इसका ना थोड़ा अभी परसों इसकी सर्विस भी नहीं हुई थी, सर्विस भी करा दी है और अब बहुत अच्छी चल रही है. वरना ये जो गियर वाली साइकिलें होती है ना, इसमें थोड़ी सी आवाज़ आने लग जाती है बाद में, अब बहुत सही चल रही है. तो मैंने चलाई तो है और लग तो मेरे को ठीक रही है अब. वैसे भी जब भी इसकी सर्विस कराओ, सर्विस कराने के बाद सही हो जाती है साइकिल. और फूल देखो, फूल ना बहुत बढ़िया बढ़िया हो चुके हैं. ये देखो और ये देखो, ये वाले फूल का ना बहुत बड़ा पेड़ होता है. मेरा जो गोलापार वाला घर है ना, वहाँ पर बहुत बड़ा पेड़ है इसका. अब मुझे सबसे सुंदर तो ये वाले लगते हैं. एक बार इसका रंग देखो यार, कितना सुंदर है. इनसे यहाँ पे लॉन की भी मतलब पूरी अच्छे से सफाई नहीं की है, तो देखो कैसा हो गया यहाँ पे, ऐसे बिल्कुल घास वास सी हो गई है. मौसा जी और भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी बनेगा. अभी देखते हैं किस टाइम तक आते हैं, उनका वेट करते हैं. देखो यहाँ पे एक दोस्त आई है जो कि है ये मीनू. मीनू ज़्यादातर बिल्लियों का सबका नाम मीनू ही क्यों होता है, आई डोंट नो. ये ना मेरी नानी से रोज़ खाना देती है तो इसलिए ये रोज़ आती है नानी से मिलने. हेलो. और इसको तो मैं ऐसे ही मीनू बोलती हूँ. ये मेरे से ना थोड़ा सा भी डरती है बिकॉज ये मैं इसके लिए थोड़ी सी न्यू हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा वो नहीं करती क्योंकि मेरे को डॉग्स पसंद है एक्चुअली.
मैं ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्लियाँ पसंद नहीं, मुझे बिल्ली भी पसंद है, बट मेरे को डॉग से ऐसा इमोशनल वाला अटैचमेंट हो गया है थोड़ा सा। बाकी मुझे ये भी अच्छी लगती है। और देखो अभी अभी अंकल ने कितना साफ कर दिया है, और वहाँ पे नानी उन्हें कुछ बता रही है साफ़ सफाई के बारे में। और यस अभी अभी मौसी और जब आएंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। और देखो गमले कितने सही करके रखे हैं, ऐसा लग रहा है ना ये प्लास्टिक वाले गमले ना अच्छे होते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं जो वैसे वाले नहीं होते मिट्टी वाले टाइप। दिखाती हूँ मैं, देखो ऐसे ऐसे वाले जो होते हैं इनसे अच्छा ये वाले होते हैं, बिकॉज़ ना ये वालों में ऐसा पेंट वगैरह भी नहीं करना पड़ता। बस हाँ ये होता है कि धूप में ज़्यादा रखने से इनका कलर थोड़ा डल हो जाता है। बाकी ये अभी भी यहीं पे बैठी है, दिखाऊँ आपको? ये देखो भाग क्यों रही है मुझसे, मैं थोड़ी कुछ कर रही हूँ। मीनू गाइज आपको पता नहीं होगा, ये हमारे वहाँ पे एक दो साल हो गए, ये हमेशा डेली आती है। पहले इसकी मम्मी आया करती थी, अब ये आती है। यहाँ पर खाना बनने का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। मम्मी बना रही है घर की बड़ी की सब्जी, जो वो बड़ी बनाती नहीं है वो पापड़ से बनती है ना मम्मी, पापड़ डाल के जो वो बड़ी बनाते हैं। एक बार आपको दिखा दूँ, ये ऐसी बड़ियाँ होती हैं ऐसी, तो मम्मी अभी बना रही है यहाँ पे। तो अभी दिखाती हूँ आपको कैसे बना रहे हैं। और ये पहाड़ी दाल भी बोल सकते हो इसे, सब्जी बोल सकते हो क्योंकि बड़ी की सब्जी ना। हाँ ये क्योंकि सूखी वाली भी बनती है, जो कि मैंने पहली बार ट्राई करी थी घर में, मम्मी ने बनाई थी। और एक जो मम्मी बना रही है वो थोड़ी ऐसी ग्रेवी वाली होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ये पहाड़ियों में ही बहुत ज़्यादा बनती है। तेल डल चुका है, अभी इसमें ये सब चीज़ें पड़ेंगी। मम्मी और कितनी जल्दी जल्दी काट देते हैं ना, अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरी उंगलियाँ साफ हो जाएंगी। देखो ऐसा लग रहा है वो शेफ नहीं होते, बहुत जल्दी जल्दी ऐसे करते हैं उनकी तरह, बट हमसे नहीं होगा। देखो मैंने मामा के फ्रिज में ना इतने सारे ऐसे मैग्नेट वाले चिपकाए हुए हैं, ये इससे भी चिपका देते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे से मसाले निकल रहे हैं सारे जो भी इसमें पड़ेगा। जब तक वहाँ पे तेल वगैरह गर्म हो रहा है तब तक आप इसे देखो, पता नहीं है क्यों इन पर्दों के पीछे पड़ा रहता है हर समय। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। यूवी क्या कर रहे हो, ये इधर आओ। देखो व्लॉग में इतना कहना मान रहा है, असली में बिल्कुल कहना नहीं मानता है ये। मेरा मानते हो आप मेरा कहना? नहीं मानते, झूठ बोल रहे हो। अभी यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है। मम्मी ये क्या डाला आपने? जीरा। जीरा डाल दिया है इसमें। इसके बाद हम डालेंगे बढ़िया, थोड़ी तल लेंगे बढ़िया। अच्छा मतलब थोड़ा फ्राई करेंगे इसे, पर छींटे आएंगे मेरे इसमें, दूर हो जाती हूँ मैं। तो गाइस बस इतना हल्का सा फ्राई करना है, ताकि अगर आप ज़्यादा देर तक करोगे ना तो बहुत ज़्यादा वो ऐसे जल जाएंगे, कड़वा बना जाता है। और यहाँ पे भी प्याज पड़ गया है तेल में। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसा मेरा चैनल एक कुकिंग चैनल होगा, मैं ऐसे बता रही हूँ। चलो कोई नहीं, खा देते हैं। पहली बार ही बना दी थी शायद मैं इसका। एक बार मैंने मैगी वाला डाला था बहुत पहले, जब मैं स्कूटी वाली वीडियो डाली थी मैंने, तब मैंने मैगी बनाते हुए और डाला था। बाकी अभी आज आप देख लो बड़ी की सब्जी। अभी वो मम्मी ना जो आटा होता है उसे भी थोड़ा से रोस्ट कर रही है, ताकि वो डालने के बाद ना जो भी सब्जी होती है उसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है ग्रेवी में, वरना बहुत ज़्यादा पानी टाइप हो जाएगा। इसलिए जब बन जाएगी मैं आपको तब दिखाऊंगी। अभी यहाँ पर मम्मी ने ये वाली बड़ी की सब्जी बना दी है, मैं एक बार आपको दिखा दूँ। ये देखो बढ़िया सी बड़ी की सब्जी बन गई है। और यहाँ पर आप मम्मी बना रही है सब्जी, शिमला मिर्च और आलू की भी, या फिर खाली शिमला मिर्च की? आलू शिमला, आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना रही है मम्मी। शिमला के लिए शिमला मिर्च, आलू शिमला मिर्च। यहाँ पे देखो पर यहाँ पे तेल फिर से गर्म करने रख दिया है, जीरा डाल दिया है। बाकी सब्जी बनने के बाद आपको दिखाती हूँ, बहुत यम्मी बनने वाली है। यहाँ पे भी मौसी और आ गए हैं, मैं दिखा देती हूँ। तो गई ये लोग आ गए हैं, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मौसी और का पानी सर्व कर देते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। प्लीज़ अभी मैं जा रही हूँ ईशा के घर पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अरे बाल कटा के आ चुकी है, पीछे मुड़ना एक मिनट।
देखो अब सही लग रहे हैं ना, पहले इसके बहुत लंबे थे और मेरे भी पहले बहुत लंबे थे, मौसी की शादी वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, और बहुत स्ट्रेट भी थे। वैसे मैंने कटा लिए बिकॉज स्कूल में क्या होता है ना, लंबे बालों में छुट्टियाँ बनानी पड़ती है और इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है ज़्यादा। तो अभी चलते हैं पहले ईशा के घर पर, और मौसी और आए थे मैंने आपको दिखाया, बाकी अभी चलते हैं ईशा के घर पर। वैसे घर पर भी खाना बन गया, बट अब मैं जा रही हूँ ईशा के घर पर, यहीं इसी के वहाँ पर खाऊँगी। चलो गाइस, अभी हमने खा लिया है और अभी मुझे मम्मी का कॉल आया कि भैया मुझसे बोल रहा कि तुम लोग अकेले चले गए चाची के घर, मेरे को भी आना है। एक्चुअली ईशा की मम्मी वैसे मेरी नानी लगती है, बट मम्मी और की चाची लगती है तो हम भी चाची चाची बोलते हैं, बचपन से ही आदत है। तो अभी चलते हैं भैया को लेके, मतलब लेने चलते हैं फिर ईशा के घर दोबारा। अच्छा आप कहाँ जा रहे हो? सो गाइस, अभी फिलहाल ये आ चुका है और हम जा रहे हैं ईशा के घर, और कह रहा है कि धूप में चलने का मज़ा ही कुछ और है। क्या मज़ा आता है धूप में चलने में? बच्चे डर रहे फिर। हाँ, इसे लॉक कर दो, लॉक कर दो। चलो अभी चलते हैं और थोड़ी देर इसको ले जाके खिलाते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। यूवी तू मैजिक कार चला रहा है? अभी हम लोग जा रहे हैं साइकिल चलाने, अभी शाम हो चुकी है और धूप भी बिल्कुल गायब हो गई है। देखो बहुत ही कम हो चुकी है धूप और लग भी नहीं रही है। ईशा आ गई है अपनी साइकिल के साथ, मैं जा रही हूँ अपनी साइकिल के साथ। तो चलते हैं साइकिल चलाने और मिलती हैं आपको सीधे शाम को, क्योंकि साइकिल चलाते चलाते मैं फ़ोन यूज़ नहीं करने वाली, क्योंकि कभी भी हो सकता है, यू नो दैट। अभी हम लोग आ गए हैं साइकिल चला के, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर खड़ी है, और यूवी बैठा है वहाँ, देखो यूवी। तो अभी आ गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चल दिन, बाय बाय।